अजीज साहब, आज हस्बे डाक में पहली मेल जो है मैं भावलपुर से लिख रहे हैं, मुनव्वर अली लिखते हैं। अजीजी अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर साहब। जब आप चिड़ियाघर जाते हैं तो आप शेर, बंदर और रीछ से मिल के आ जाते हैं, क्या बाकी जानवरों से कोई नाराजगी चल रही है या किसी के पैसे देने हैं? अजीजी साहब, किसी दिन ऐसा ना हो सबके सब आपको पकड़ लें, फिर क्या करेंगे? नहीं मुनव्वर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, बाकी जानवरों को भी मैं मिलता हूँ, मगर जनाब जिनको मैं मिल ही नहीं सकता उनको क्या मिलूं? मसलन जराफे के बंदा क्या मुंह मथे लगे, उसका मुंह मथा ही इतना ऊंचा होता है, उसको आप बंदा मिलने के लिए या तो साथ मोड़े पे पौड़ी रख के जाए या चिड़िया घर की दीवार के ऊपर खड़ा होकर उससे चंद बातें करके तो वापस आ जाए, या फिर बंदा चलाकी करे के जराफे को कहे पाई जी थोड़ी जवानी डिग पाई जी थले चुकन आवे तो बंदा फटाफट ते कान च कवे अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक ठाक हो करिए ते ओ की हाल है। और अगर वो अपने पांव से उठा ले? यार पांव से कभी को उठाता है? वो जराफा है या मदारी है? वो मुंह से उठाता है, उसका मुंह ही चुआनी पकड़ने वाला है। वैसे यार जराफा भी खूब जानवर होता है, जिसम पीछे हाथी जितना होता है, मुंह उसका रेलवे के चूहे जैसा होता है, मोर भी है आगे उसकी तरफ, मैं इसलिए नहीं जाता कि वो अक्सर डांस करता रहता है और मैं हमेशा डांस की सख्त मुखालफत करता हूँ। दरियाई घोड़े वाली बात भी बताओ ना, उससे क्यों नहीं मिलते? उसकी तरफ एक दफा गया था, उसने बदतमीजी की, मैंने जाना छोड़ दी। यही तो बताओ ना, क्या बदतमीजी की? नाम रात पानी में से मुंह निकाल के कहता है ये और मेरा मुंह वड्डा मैं तो चलो पानी च लका के जिंदगी गुजारन डे आ, और ना मरादा तू एडा ना मुंह लैके सरे आम ही फिरी जांदा। फिर अंदर चला गया, मैं उसकी बेइज्जती करना चाहता था, वो ना मराद करके अंदर चला गया, बाहर ही नहीं आया मुड़ के, बाहर निकल आया। मैंने कहा ओके, इसलिए जनाब मैं सब जानवरों से मिलना चाहता हूँ, जानवर को जानवर मिले, कर लंबे हाथ ऐसी कोई बात नहीं, मगर जो जानवर मुझे नेड़े पड़ते हैं मैं फिर उन्हीं को मिल के आ जाता हूँ। अच्छा जी, अगला खत्म है पिशावर से, जवाद अफजल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी साहब, हम आपके मुर्शिद पाक को बहुत मिस करते हैं। हाय हाय, मैं सच कह जाऊं अपने मुर्शिद के लोग मिस करेंगे मेरे मुर्शिद, इसी वजह से मिस करते हैं। खत तो सुनो। ओहो, उनकी वजह से नहीं बल्कि आपकी धमाल की वजह से अब वो हमें देखने को नहीं मिलती। आप कोई ऐसा मुर्शिद रख लें जो खबरों में रहे और हम आपकी धमाल देखते रहें। अल्लाह माफ करे, मुर्शिद रख लें, ये मुर्शिद रखना है या ट्यूशन के लिए ट्यूटर रखना है? मुर्शिद रखते नहीं है, मुर्शिद के क्या होता है अपना, वो क्या कहते हैं उसको, मुर्शिद के क्या हो जाते हैं, दायरा इरादत में शामिल हो जाते हैं, दायरा इरादत में, दायरा इरादत इरादत में शामिल हो जाते हैं। सीधी सीधी को बात करो, ताबेदार हो जाते हैं। बात सुनो, अगर खबरों में इन रहना ही मुर्शिद का मयार है तो तुम मीरा के मुरीद क्यों नहीं हो जाते? बहुत वैसे फजूल बात कर रहे हो, फजूल खत पढ़ दो। ये तो चाहता है कि हर हफ्ते में नवी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कलबे अब्बास अक्कर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी साहब, आपको जुनैद साहब की एक नायाब तस्वीर भेज रहा हूँ। एक बार बगैर मेकअप के बाजार में फिर रहे थे, मैंने तस्वीर खींच ली, वही आपको भेज रहा हूँ। बाकी मेकअप इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की कर ली है। तस्वीर दिखाओ, तस्वीर ये देखें। हाय 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 हाय। अच्छा तुम एक बात नोट करो, बाल मेरे काले ही हैं। नहीं मगर ये जो मथा है, ओ ये तो यार कलफ वाला कुर्ता बना हुआ है, इतने वाट डाल दिए यार, इतना सोबर बुढ़ापा पेंट किया उसने। अरे वाकई बड़ा सोबर बुढ़ापा है, इस तरह के सोबर बाबे काली अणक लगा के छोटा टोल पकड़ के चूहे मार गोली बेच रहे होते, जल गए। और ज्यादा ढोलकी बजाते हैं, बात एक अद्धी करते हैं, कैंट कटैंक टकैंट कटैंक टकैंट कटैंक टकैंट कटैंक टकैंट कटैंक टकैंट कटैंक टकैंट गोली मार चूहा, नहीं वो यही कहता है गोली मार चूहा, गोली मार चूहा। ईमानदारी से बताओ, तुमने कभी इस तरह चूहे मार गोलियां बिकती हुई देखी है? जबरदस्ती का लाटर ले रहा है। अमान से मुझसे कसम उठवा लो, गुजरांवाले में मैंने ऐसा बंदा देखा, इंतहाई सोबर आदमी काली अंग लगा के छोटी टोल की तीले के साथ बजाता था,
چشمے والے چونک میں میں نے خود اسے پھرتے ہوئے دیکھا گولی مار چوہا جی. ملک تنویر لاہور سے لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جنید صاحب اور عزیز صاحب, پچھلے کچھ عرصے میں میری فیملی کے 5 لوگ ون ویلر سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکے ہیں, جن میں سے ایک کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. خدا کے واسطے اس خوفناک لعنت پہ بھی خادم اعلیٰ کی توجہ کروائیں, پورا لاہور اس سے عدم تحفظ کا شکار ہے. ویسے بھائی جی میں معافی چاہتا ہوں, اللہ پاک آپ کے اس عزیز کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور باقیوں کو بھی عقل دے. مجھے یہ بتائیں خادم اللہ کیا کرے اس میں, کو بندہ ویل چکے تو ویل کے ساتھ لٹک جائے وہ. یار یہ سیدھی سیدھی بات ہے, ہر سال ہم کلپتے ہیں خدا کے واسطے, ہر بچوں کو اپنے بچوں کو, سارے ہمارے اپنے بچے ہیں, سب کو کہتے ہیں کہ ون ویلنگ انتہائی خطرناک اور بے وقوفوں والی بات ہے اور قابل نفرت, قابل نفرت فیل ہے. جب تک ہم میڈیا کے لوگ اس فیل کو قابل نفرت نہیں بنا دیتے نوجوانوں کے لیے, اس وقت تک یہ نوجوان باز آنے والے نہیں ہیں. اتنی کوششیں کر چکے, کس کس انداز میں بات نہیں کر چکے, ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا ان لوگوں کے رویے میں. کچھ اس سے حاصل ہوتا ہو نا, چلو کچھ ہی, چلو کچھ کاپی حاصل ہوتا ہو, وہ بھی نہیں. اتنی سخت بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے. ایک بچے نے وہ سکوٹر اٹھایا ہوتا ہے, پاس سے گزرنے والے جو 44 بندے گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہ دل میں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. پھر اسی میرا خیال یہ کسر ہی باقی رہے گی کہ دل میں گالیاں دینے کی بجائے اونچی آواز میں گالیاں دیں. ہائے ہائے ہائے, سمجھتے ہی نہیں بچے, پتہ نہیں کیا کرتے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.